बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर पिछले 24 घंटे में कोरोना से 265 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यूपी में अब एक एक दिन में इतनी मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,993 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा केसेस 4,437 मामले लखनऊ से अकेले हैं। यूपी के कई शहरों से ऑक्सीजन की किल्लत, मरीजों की दिक्कत की खबरें आ रही हैं। आज तक ने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की, पूछा कि क्या सरकार इस वेव के लिए तैयार नहीं थी। बताइए कि आप लोग बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हो गए थे क्या, क्योंकि क्या आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाए कि इस तरह की स्थिति आप फेस कर पाएंगे? अचानक लोग अस्पतालों में पहुंचने लगे, मरने लगे, आपके यहाँ प्लांट में, आपके यहाँ अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, तमाम चीजें हो गई, तो क्या मतलब सरकार ने जितनी तैयारी पिछली बार की थी, सेकेंड वेव के लिए आप तैयार नहीं थे? ये देखिए, वैश्विक महामारी के बारे में दुनिया में कोई साइंटिस्ट आपको नहीं मिलेगा जो बता पाएगा कि अगला फेज कब आने वाला है, कोई नहीं बता पाएगा आपको। जब 100-150 साल का हिस्ट्री आप देखेंगे, जब स्पेनिश फ्लू आता था, जब प्लेग आता था, उस जमाने में तब वैज्ञानिक आपको कभी नहीं बता पाते थे कि कितने दिन में दोबारा होगा या नहीं होगा। लेकिन सर आप अगर देखिए तो ब्राजील में आ गया, अमेरिका में आ गया, इतने लोग मर गए, और सरकार दूसरे फेज के लिए यहाँ तैयार नहीं हुई, जबकि यहाँ के पहले महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में ये सेकंड वेव आ चुका था। नहीं, हमारा तैयारी तो था एक प्रकार से, क्योंकि देखिए जब पिछले वाला जब हुआ था तो आपने देखा होगा 2021-22 का केंद्रीय बजट में 137% का बजट आवंटन आपकी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माने हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। बजट में आवंटन तो हुआ, लेकिन मतलब ऑन ग्राउंड तैयारी नहीं। ये फरवरी में हुआ था ना, और उसके पहले ऑलरेडी हम लोग को बोल दिया गया था, हमने अपना डिमांड भी भेज दिया था, पहले भी हम लोग को बोला गया था कि आप अपने यहाँ BSL-2 का लैब का तैयारी करिए, उसका जो प्रपोजल है उसका आप भेजिए हमारे यहाँ, और उसके साथ ब्लॉक बनाइए जिससे कि आपको अगर कोई इस तरह के फिर दोबारा कोई वायरस आएगा तो उसकी तैयारी के लिए आपको एक ब्लॉक भी बनाना है जिसमें 100। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े, कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में तैयारी कम देखने को मिल रही है या फिर यहां पर ही सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार आंकड़े सबको चौंका रहे हैं क्योंकि ये सेकेंड वेव है जिसके लिए कोई तैयार ही नहीं था। ऐसे में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हमेशा केंद्र रहता है, फोकस रहता है, इसी वजह से ये मामले लगातार सामने, उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां से ज्यादा सामने आते। देखिए, सरकार बिल्कुल इस वेव के लिए तैयार नहीं थी। हमने मंत्री से बात की, हालांकि सरकार का दावा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है इस समय और ऑक्सीजन और बेड मौजूद है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आप आगरा, मेरठ, यहां तक कि लखनऊ में भी देखें तो आज भी लोगों को बेड के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। अपने एम्बुलेंस के बाहर लोग घंटों अस्पताल के बाहर दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने कल ये जरूर मान लिया है, सरकार के मंत्री ने, कि वो इस वेव के लिए तैयार नहीं थे, उनके पास जितनी तैयारियां थी वो नाकाफी थी, लेकिन अब कोशिश की जा रही है। लेकिन अब कोशिश के करने के चक्कर में बहुत देर हो रहा है और बहुत सारे मरीजों की मौत हम लोग देख रहे हैं अस्पतालों में, अस्पतालों के बाहर या होम आइसोलेशन में हो रहा है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से मामले बढ़े हैं या जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उससे उसको लेकर सरकार की तैयारी कम थी, या अब भले सरकार दावा कर ले, लेकिन एक राहत की बात थोड़ी और है कि पिछले 4 दिनों से कम उत्तर प्रदेश का आंकड़ा थोड़ा कम हो रहा है। हालांकि ये कब स्पाइक दोबारा आ जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 38,000 से 35,000, 33,000, 32,000 पर ये आंकड़ा आया है। लखनऊ का भी 6,000 से घटकर ये इस वक्त 4,400 पर है, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर ये घटता है तो लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अभी भी अस्पतालों की स्थिति, बेड की स्थिति, ऑक्सीजन की स्थिति की अच्छी नहीं है और इसकी किल्लत लगातार बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।